शांत हो यार। तो आनुवंशिकता क्या होता है? आनुवंशिकता, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेरिडिटी, ठीक ना। आनुवंशिकता का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आप लोग को जो है एक स्पेशल क्वालिटी बता रही, जैसे मान लीजिए ए जो है कोई व्यक्ति पुरुष है, बी क्या है एक महिला है, महिली नहीं महिला, ठीक ना। अब यहाँ पे जो है ए जो है इनका दांत थोड़ा सा जेसीबी टाइप का बड़ा बड़ा है, ठीक ना। ऐसे ऐसे निकला हुआ देखिए, लग रहा है मुंह कहीं से जबड़ा लग रहा है, आरा मशीन लग रहा है, आरा मशीन लग रहा है, और है शांत। अब बी का जो है जो महिला है उनका दांत ऐसे ठीक ठाक है, और पता है ना महिलाओं के दांत अगर नहीं ठीक होगा तो जाके ब्यूटी पार्लर में जो है क्या करवा लेगा, उस पे जो है पानी उसमें जो है मशीन वशीन चलवा के उसको सेट करवा लेती हैं। तो महिलाएं जो है ज्यादा खर्चीली होती है, बात सही है ना। हम लोग जैसे भी टाइप होता है, ठीक है ना। इसके बाद जो है मान लीजिए दोनों का शादी हो गया, कई तारीख, आज क्या तारीख है? 11 दिसंबर। अच्छा 11 दिसंबर है, मान लीजिए 11 दिसंबर की लोग का शादी है, ठीक है ना। फिर जो है 11 दिसंबर 2021, यही ना। अब मान लीजिए अगले साल, अगले साल इनके लड़के से जो 2022 में मिला गया, 2022 में ठीक ना, 2022 में इनका लड़का जो है घूम रहा था गांव के बाहर, कोई रिश्तेदार आया, उसका शकलियत देख के पहचान गया कहां से, यहीं से, ये उसी का लड़का है। का इतना बड़ा बड़ा दांत निकला तक मुंह नहीं बंद हो रहा था, तो शकल देख के पहचान गया। तो ये जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या हो गया? ट्रांसफर। अच्छा वहां तक तो ठीक है, नाक जैसे लग रहा था ना इस सुग्गा एकदम बढ़िया जबरदस्त वाला है, बात सुन ले, इसको तोता बोलते हैं, ठीक। अब जो है इसको देख, नाक देखा जैसे भी टाइप का लटका हुआ था, वो जैसे लग रहा था वो पिस्टल लगा हुआ हो कहीं पे, ठीक। तो यहाँ पे अगर नाक और दांत दोनों जो है ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाके अपना लक्षण दिखा रहा है, तो यही क्या कहलाएगा? आनुवंशिकता, ठीक, बात समझ आई। अब मान लीजिए कभी काल क्या होगा कि आप देखेंगे कि जो चुन्नू मुन्नू पैदा हुआ है वो अपने माता पिता से जो है नहीं मैच करता है, बल्कि दादा से मैच करता है। तो दादा वाला लक्षण जो इसके जो जेसीबी टाइप पिताजी है ना उनसे जो है, ठीक ना, उसके दादा वाला लक्षण जो है जो उसके जेसीबी टाइप के पिताजी हैं उनके अंदर छिपा हुआ था, ठीक, बात समझे। अब वो लक्षण जब छिपा हुआ था तो कुछ समय बाद क्या हो गया, वो आ गया प्रदर्शन में, ठीक ना, छिपा हुआ था, लेकिन इस 2022 में जो चुनुआ से मिला गया ये क्या हो गया, इसमें प्रकट हो गया, प्रदर्शन में आ गया, और उसके पहले था लेकिन प्रदर्शन में नहीं था। तो आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। इसका मतलब जो लक्षण इनके अंदर आके छिपा हुआ था वो क्या हो गया, आगे प्रकट हो गया, इसका मतलब वो ट्रांसफर हुआ तब ना आया। तो आनुवंशिकता क्या होती है? आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता। अब आनुवंशिकता जो है लक्षण हो गया, अब आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? तो यही जो है लंबा होना, नाटा होना, मोटा होना, ये सब क्या है? आनुवंशिक लक्षण है, बात समझ आई, कोई दिक्कत? अगला है कहलाएगा विभिन्नता, ठीक है ना। अब विभिन्नता क्या होता है इसको भी समझिए। देखिए विभिन्नता का मतलब होता है अलग अलग होना, यही ना, विभिन्नता का मतलब अलग अलग होना। ठीक है ना, विभिन्नता का मतलब क्या होना? अलग अलग होना, बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना।
अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि मान लो ए बी जो है, एक ये माता पिता है, कोई ए बी क्या है माता पिता है, इनका जो है तीन ठो चिंकी मिंकी चुन्नू है, ये चिंकी हो गया, ये मिंकी हो गया है, और ये हो गया चुन्नू। ये तीनों क्या है, एक ही जनक से उत्पन्न क्या संतान है, ये अलग मामला, आगे चल के शैतान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो संतानें होंगी, ये एक दूसरे से क्या, अब चिंकी मिंकी एक तो लड़की हो गई, ये भी क्या है लड़की है, चुन्नू क्या है लड़का है, लड़का है। तो लैंगिक आधार पर ये तीनों क्या है, दो आपस में समान है, लेकिन तीसरा क्या है अलग है, इतना तो हो गया, ठीक है ना। आप देखेंगे कि इनका जो शारीरिक बनावट होगा वो भी कुछ ना कुछ क्या होगा, चेंज होगा, मतलब चेहरा वगैरह जो है देखने में थोड़ा सा अलग लगेगा, बस समझ आई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक ही जनक से उत्पन्न संतानें 100% समान नहीं होती। अब ये अलग मामला है कि कुछ लोग बोलेंगे ना, इसका आंख इसके भाई से मिलता है, इसका नाक जो इसके बहन से मिलता है, लेकिन 100% नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कुछ पार्ट मिलेगा, 100% हर पार्ट नहीं मैच करेगा, ठीक। अब जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ अंगूठा देख रहे हैं ना, ठीक, ये देखिए दुनिया एडवांस हो रही, पीछे जा रही, समझ में नहीं आ रहा कुछ। पहले लोग अनपढ़ लोग अंगूठा लगाता था, आज के डेट में पढ़ लिख के अंगूठा लगा रहा है, हैं, कंफ्यूजन होता है कि दुनिया आगे जा रही पीछे आ रही है, हैं, सही ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अंगूठा सबका अलग अलग काहे है, इसका मतलब लोगों में क्या है, अलग क्वालिटी है, एक क्वालिटी है, अलग क्वालिटी है, तो मतलब विभिन्नता का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है, अंगूठा। अगर हमारे डेली लाइफ में अगर हम बात करें तो अंगूठा जो है एक ही परिवार में जितने लोग हैं सभी का क्या है अलग अलग है, इसका मतलब कहा जा सकता है कि एक ही परिवार में जितने लोग हैं वो एक दूसरे से क्या है समान है कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, उसी को हम क्या बोलेंगे विभिन्नता। तो इस आधार पे कहा जा सकता है कि किसी एक ही जनक से उत्पन्न संतानें आपस में 100% समान नहीं होती, या किसी एक ही जनक से उत्पन्न संतानें आपस में समान नहीं होती, उसी को हम क्या बोलेंगे विभिन्नता। अब विभिन्नता जो है कई प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक मान लेते हैं कायिक विभिन्नता, एक होता है क्या कायिक विभिन्नता, और दूसरा होता है जननिक विभिन्नता। दूसरा का क्या होता है जननिक विभिन्नता, ठीक है ना। कायिक विभिन्नता का मतलब क्या होता है, काय माने क्या होता है शरीर, है ना, शरीर। तो शरीर में विभिन्नता का मतलब क्या हो गया, अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है गांव के, हर गांव दो चार ठो कल्लू होता है, है ना। अब वो जो है जबरदस्त एशियन पेंट की तरह चमक रहा था, जैसे लग रहा था पहले कोयला खान में काम करता था, है ना। अब वो जो है बेचारा गांव वाले इसका बहुत मजाक बनाए, तो वो जो है क्या किया कि दुनिया भर का क्रीम व्रीम जो जितना हो सकता था, फेयर लवली पता नहीं कौन कौन लवली लगाया, उसके बाद वो नहीं गोरा हुआ, ठीक। बेचारा चला गया जो है कमाने, कमाने गया, संयोग से उसको ऐसा नौकरी मिल गया कि पूरा दिन रात वो जो है ना उसी कंपनी में रहता था, बाहर नहीं निकलता था। अब इस केस में क्या होगा, जब वो बाहर नहीं निकलता था तो वो अगर छाए में रहेगा तो धीरे धीरे क्या हो गया, गोरा हो गया। एक दिन मतलब शीशे के सामने खड़ा हुआ तो वो जो है ना उसको भरोसा नहीं हो रहा था कि हम ही है, दूसरा तो नहीं है। वो तीन चार बार अपना आंख पोछा, देखा कि जो कुछ गोरा हो गए हैं, तो थोड़ा सा जो है ज्यादा उत्साहित हो गया। गांव वालों जो फोटो फोटो खींच के भेजा, देखिए कलुआ गोरा हो गया है ना, ठीक। गांव वाले जो है देख के डिस्टर्ब हो गए, वही कलुआ है जो यहाँ से भाग के गया था, दूसरा तो नहीं है। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि कायिक विभिन्नता का मतलब क्या होता है, ये जो है ना शरीर पर जो बाहर से देखने में जो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जैसे अब देखिए कायिक विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, तो ताप, गर्मी और वर्षा, ध्यान दीजिएगा। ताप
या गर्मी और एक धूप, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, ताप या गर्मी एक ही चीज होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है ना, आप देखेंगे अगर छाए में भी रह रहा हो, उस केस में अगर वो तापमान के संपर्क में लगातार रहेगा, मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी जिसमें जो है भट्टियों पर कुछ बनाया जाता है, तो अगर वो भट्टी का संचालन करेगा तो क्या होगा बताइए। अगर वो भट्टी का संचालन करेगा तो गर्मी के संपर्क में रहेगा, तो उसका शरीर जो थोड़ा सा मतलब काला पड़े नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो यहाँ पे जो है अगर धूप में रहेगा तब वो कलुआ कहलाएगा, ठीक है ना, और तापमान या गर्मी के संपर्क में रहेगा तब वो कलुआ कहलाएगा। वर्षा या ठंडक के सीजन में क्या हो जाएगा कि सब लोग थोड़ा सा गोरा हो जाते हैं, इसके बाद 30 बार जो है दिन भर में जो है 24 घंटा 30 बार शीशे के सामने खड़े हो जाएंगे, मौका मिलता तरत ही हम घुस जाते हैं शीशों के सामने, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे कलुआ गोरा हुआ कि नहीं हुआ। तो कायिक विभिन्नता कहाँ होता है, तो शरीर का जो बाह्यतम परत होता है उस पर देखने को आपको मिलेगा। बात समझ आई, कोई दिक्कत। फिर बात करते हैं जननिक विभिन्नता। जननिक विभिन्नता में क्या हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है ना बाद में जो है लंबा होना, बात समझ आई, नहीं समझ आई, लंबा होना और देखेंगे थोड़ा सा नाक वगैरह जो है लंबा होना, बाल जो घुघराला होना, ये सब क्या हो जाएगा जननिक विभिन्नता। मतलब ये जो है ना जनन के समय ही जो है विभिन्नता लेकर पैदा होता, उसी को हम क्या बोलेंगे जननिक विभिन्नता। और ये जो कायिक विभिन्नता होता है ये क्या होता है जन्म के बाद होता है, बस नहीं। तो लंबाई वगैरह वाला मामला जो होता है ये जन्म के साथ ही जो निर्धारित हो जाता है कि ये लंबा होगा कि नहीं होगा। अब इसके लिए जो है कार्य कौन करता है, गुणसूत्र, ठीक ना, और गुणसूत्र पर पाए जाते हैं डीएनए या जीन, ठीक ना। जीन्स पे चलते हैं हम लोग डायरेक्टली, तो गुणसूत्र पर क्या पाए जाते हैं जीन पाए जाते हैं। वही जीन जो है ना ये फिक्स करते हैं कि जो चुन्नू पैदा होगा कलुआ होगा कि ललुआ होगा, है ना, और लंबा होगा कि मंसूरिया होगा, मतलब नाटा होगा बौना होगा, ठीक ना। तो ये कैसे कंफर्म होता है, बस नहीं कोई दिक्कत। तो हे डालिएगा कायिक विभिन्नता, उसमें लिखिएगा कायिक विभिन्नता बाह्य कारकों जैसे वर्षा ठंडक गर्मी या धूप, आदि के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो उदाहरण याद है ना कि कलुआ गया था कमाने तो आया गोरा होके ललुआ बनके, है ना। लिखिएगा दूसरे का हेडिंग डालिएगा ये जननिक विभिन्नता। तो ये जननिक विभिन्नता क्या होता है, ये जो गुणसूत्र होते हैं ना उसमें पहले से विद्यमान रहते हैं। ये क्या होते हैं, पहले से विद्यमान रहते हैं। बस सुन रही, पहले से विद्यमान रहते हैं। लिखिएगा जननिक विभिन्नता में ये विभिन्नताएं पहले से ही पूर्वजों में उपस्थित थी जो आगे चलकर प्रकट हुई, ठीक ना, जो आगे चलकर प्रकट हो गई।